देवास जिले के डुंडिया अमरपुरा रोड पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। मोरंग के डंपर से रोड खराब के कारण ग्रामीणों को परेशानियां हो रही है, जिसके चलते डुंडिया अमरपुरा के ग्रामीणों ने रोड पर डंपरों को रोक कर चक्का जाम किया। मौके पर बीएनपी थाना पुलिस पहुंची। हमारे संवाददाता से चर्चा में बताया कि खटाम्बा फाटा से अमरपुरा गद्दू खेड़ी डुंडिया तक का 3 किलोमीटर का पीडब्ल्यूडी का रोड है, जो कि ग्रामीणों का आने जाने का मार्ग है। वहीं माइनिंग विभाग द्वारा विगत 4 वर्षों से सरकारी बदले पर मोरंग खदानों का आवंटन कर दिया गया है और उनका रोड भी सत्तू फैक्ट्री के वहां से निकाला गया है। फिर भी ओवरलोड डंपर दिन रात इस रोड से रॉयल्टी बचाने के लिए निकाले जाते हैं, जिसके कारण 4 वर्षों में कई एक्सीडेंट इस रोड पर हो चुके हैं। वहीं पूरा रोड कई बार बनाने के बावजूद भी खराब हो जाता है, जिससे ग्रामीण जन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह रोड ग्रामीण जनों का मुख्य आवागमन का रास्ता है। इन डंपरों के कारण पूरे रोड की हालत खराब हो चुकी है। हमारे द्वारा कई बार शासन प्रशासन विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई, पर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते आज हमें यह कदम उठाना पड़ा। वहीं अधिकारियों से चर्चा की गई, जिसमें 6 दिनों का टाइम दिया गया है। रोड को मरम्मत किया जाने की बात कहकर 6 दिन के बाद इस रोड से डंपर नहीं निकाले जाने की बात की गई है। वहीं 6 दिन बाद अगर फिर से इस रोड पर डंपर निकाले गए तो एक जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारी खदान मालिकों की रहेगी। ये डंपरों का ऐसा मामला है कि यहाँ खदान 8-10 खदान है। हाँ। तो इधर रोड पहाड़ी पे होने के कारण उसके बावजूद भी यहाँ ड्रामिंग रोड है। हाँ। उसमें निकाले जा रहे हैं, यहाँ से 4 साल से निकाल रहे हैं वो। उसके बाद ग्रामीण वालों ने शिकायत भी की। हाँ। अधिकारियों को भी की, उस खदान वालों को भी की। हाँ। माइनिंग विभाग वालों को भी की खबर, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो आज गांव वालों ने ये सोचा कि आज से बंद ही किया जाए इनको डेम्फरों को। तो ये बारिश में गाड़ी निकलती, वाहन निकलते तो लेडीज़ों भी रहती है, तो गिरने का रोज कोई ना कोई गिरते ही रहता है। अच्छा, तो ओवरलोड भी चलते हैं। ओवरलोड भी चलते हैं, रात में बिगर रॉयल्टी वाले डेम्फर भी चलते हैं। बिगर रॉयल्टी का इधर चले अधिकारी आया ही नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पे। शासन प्रशासन सबको सूचना की, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो आज कोई आएगा तो बात होगी, नहीं तो आज से डेम्फर निकलना बंद। 4-5 साल से हमारे अमरपुरा और डुंगरिया और गद्दू खेड़ी के सभी भाई लोग, किसान लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि खदानों के बड़े बड़े डंपर आयवाओं की वजह से बड़े बड़े गड्ढे इन रोडों पे हो जाते हैं। विधायक जी द्वारा भी कितनी बार प्रयास किया गया और उसके बाद इनने कहीं कहीं मुरम डाल देते हैं, लेकिन फिर वही ढांक के 3 पात। इस बार ग्रामीणों ने नीचे किया है कि विधायक जी ने बोला मैं नया रोड बना रहा हूँ, तो हमने भी नीचे किया। नए रोड की सुरक्षा के लिए सबसे पहले घेराबंदी कर दें, और हमने इन सबों से, इनके मालिकों से, खदान मालिकों से, पट्टाधारियों से निवेदन करा है, बात हमारी रखी है इनके सामने कि आप, आपके आर्थिक हित के कारण ये गांव वालों के विकास में अवरुद्ध ना बने, इसलिए आप वैकल्पिक जो रास्ता है सत्तू फैक्ट्री के सामने से हाईवे से जो सीधा जुड़ जाता है खदानों से जाके, वहाँ से अपना वैकल्पिक रास्ता निकाल लें। 6 दिन का इनको समय दिया, मालिकों से मोबाइल पर बात होने के बाद, सभी ग्रामीणों की हाँ होने के बाद यहाँ पर अभी पेचवर का काम शुरू करवाया है। और ग्रामीणों द्वारा ये भी किया गया, अगर 6 दिन में इन्होंने अपनी बात और अपने वचन पर अटल नहीं रहे और डंपर वापस यहाँ 6 दिन बाद से शुरू करें, तो फिर एक जन आक्रोश आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी इन पट्टाधारियों की, खदान मालिकों की होगी, क्योंकि आज हमने इनकी बात पर और इनके विश्वास पर वापस समय देते हुए, इनको कोई भी चीज़ तत्काल नहीं होती, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको 6 दिन का समय दिया कि आप आपका वैकल्पिक रास्ता तैयार कर ले, आपके पास सारे साधन है, संसाधन है, आपको आफत भी नहीं आएगी और कोई परेशानी भी नहीं आएगी, लेकिन आपके आर्थिक लाभ की वजह से मेरे गाँव वाले बहुत परेशान है, उस चीज़ का हवाला दे के हमने 6 दिन का समय दिया है। विधायक जी से भी बात हो गई है, संगठन से भी बात हुई है, और 6 दिन के बाद ये लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।